हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 2 जून 2020। आइए देखते हैं जो करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो जुर्माना लगा है आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर लगाया है। तो आरबीआई ने हाल ही में सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सिटी बैंक जो है वो मानकों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता, यानी कि जो मानक तो नहीं, अगर हम इसके लिए सही शब्द का प्रयोग करें तो मानदंडों का उसने सही तरीके से पालन नहीं किया था। किसने? सिटी बैंक ने। तो यहाँ पर अगर बात हम रिजर्व बैंक की करें, क्योंकि रिजर्व बैंक से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी ज़रूर पूछ जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करें यानी कि आरबीआई की अगर हम यहाँ पर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। और आपको बता दें कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। फिर लगभग 2 साल बाद इसको मुख्यालय जो था इसका, इसको जो शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, वो मुंबई में कर दिया गया। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। और फिर लगभग 2 साल बाद 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई की बात करें तो मुंबई कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जो महाराष्ट्र राज्य है। और आपको बता दें महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो मुख्यालय मुंबई पर, मुंबई में है इसका। अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई थी और आपको विकल्प में वहाँ पर मुंबई ना, वहाँ पर आपको विकल्प में मुंबई ना मिले, तो इसकी स्थापना जो आपको विकल्प मिलेगा वो है कोलकाता। पूछे कि स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। और अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय मुंबई में इसका। किसका? आरबीआई का। अगर बात करें हम गवर्नर के बारे में, क्योंकि गवर्नर से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गवर्नर कौन है इसके वर्तमान में? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और एक और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर गवर्नर हैं, इस बात को आपको याद रखना है। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इनसे पहले 24 गवर्नर रह चुके हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं अधिकतर, वो इतना याद कर लेते हैं कि गवर्नर कौन है, मुख्यालय कहाँ है, लेकिन इनकी डिटेल में नहीं जाते, विस्तार में नहीं जाते। और वहीं से क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो आपको याद रखना है 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ साथ के साथ कमेंट करते रहें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ ऑल पर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ तो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है। तो रोजगार सेतु योजना की घोषणा किसने की है? जो कुशल श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, अपने गांव लौट रहे हैं अन्य राज्यों से, तो उनको, उनके लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु योजना, इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और लालजी टंडन हैं यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी यूएनओ के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके विभिन्न संगठन आप सभी जानते हैं, तो खाद्य और कृषि संगठन जो है उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? विश्व दुग्ध दिवस की। क्यों? ताकि हम दूध के, जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे, हमें बीमारियों से बचाने के लिए और विभिन्न अन्य हमारी जो विभिन्न प्रकार से सुरक्षा करता है, उसके लिए दूध का क्या महत्व है, दूध के महत्व के लिए, यानी कि दूध का कितना महत्व है हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, इसके लिए ही खाद्य और कृषि संगठन जो है यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसने विश्व दुग्ध दिवस मनाने की जब इसे शुरुआत की थी, ताकि हम इसके महत्व को जान सकें, दूध के प्रति हमारी जागरूकता भी बढ़े। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है किसने? केंद्र सरकार ने। किसके लिए दी है? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। किसके लिए दी है? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दी है।
जल जीवन मिशन के तहत और वर्ष 2020-21 के लिए, इस बात को आपको याद रखना है। अगर बात हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल यहाँ के अनुसुईया उइके। क्या है यहाँ पर उइके आएगा, इनका पूरा नाम जो सही नाम है इनका वो है उइके। क्या है? अनुसुईया उइके इनका नाम है यहाँ के राज्यपाल का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्कोस ट्रेजो को किस बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किस बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मार्कोस ट्रेजो को नया अध्यक्ष चुना गया है। बात अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? एनडीबी की यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और शंघाई चीन के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? शंघाई के अंदर। अगर बात यहाँ पर चीन की करें, क्योंकि यहाँ पर चीन का नाम आया है, चीन से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है और वैसे भी पड़ोसी देश बिना हो तो किसी भी देश से किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चीन की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या है? चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इस बात को आपको याद रखना है। चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। अगर बात हम चीन की राजधानी के बारे में करें, तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और अगर हम बात करें चीन की जो करेंसी है वो क्या है, तो चीन की करेंसी है रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी चीन की करेंसी है, इस बात को आपको याद रखना है। किसी भी बात को भूलना नहीं है, साथ के साथ रिविज़न भी करते रहना है आपको, जो भी करंट अफेयर्स में आप जो भी कुछ डेली पढ़ रहे हैं। तो चीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन सब क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुद्रा शिशु ऋण शुरू करने की घोषणा किसने की है? जो छोटे उद्योग होते हैं, चाहे इनमें लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो, इनसे भी संबंधित जो छोटे अन्य उद्योग होते हैं उनके लिए मुद्रा शिशु ऋण, ये मुद्रा शिशु ऋण यानी कि मुद्रा शिशु ऋण नाम से एक प्रकार का ऋण जो है उसको शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है केंद्र सरकार ने। किसने की है? मुद्रा शिशु ऋण शुरू करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरा जीवन मेरा योग नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा मेरा जीवन मेरा योग नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया है, यह प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की जाएगी यानी कि आयोजित की जाएगी? यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा? ICMR के द्वारा और आयुष मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने वू के साथ संबंध समाप्त कर दिए हैं? वू के साथ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने सभी संबंधों को त्याग दिया है, तोड़ दिया है। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका काफ़ी दिनों से, जब से कोरोना वायरस फैल रहा है, लगभग जनवरी माह से वू से खफा चल रहा है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। इसका आरोप है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वैश्विक संस्था है, ये चीन के साथ मिली हुई है और इसको पता था कि कोरोना वायरस फैलने वाला है और इसने चीन के ऊपर अमेरिका की ओर से आरोप लगाया गया है। और पूरी तरह से अगर बात करें कि पूरी दुनिया भी चीन को ही दोषी मान रही है, तो वू के ऊपर अमेरिका का आरोप है कि वू को पता था लेकिन वू ने पूरी दुनिया को आगाह नहीं किया, उसने चेतावनी नहीं दी, तो इसीलिए उसने अपनी फंडिंग वगैरह भी सब कुछ वू के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। किसने? अमेरिका ने। अगर बात हम अमेरिका के बारे में करें, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है Washington DC। क्या है? Washington DC अमेरिका की राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात अगर हम वू के बारे में करें यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, किसके बारे में? विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? जेनेवा एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, वाजिद खान का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध संगीतकार थे, कई सुपरहिट फिल्मों के अंदर भी इन्होंने अपना इनका महत्व रहा है, इन्होंने उनके अंदर कई प्रकार के संगीत भी लिखे हैं। तो वाजिद खान का निधन हो गया है, संगीतकार थे, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? तो माता पिता दिवस मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। इसका उद्देश्य क्या है?
माता पिता की सराहना, प्यार, देखभाल को सम्मान देना। जो माता पिता हमारे लिए करते हैं उसका हमें सम्मान करना, उनकी सराहना, प्यार और देखभाल का हमें सम्मान करना, इसलिए ही माता पिता दिवस पेरेंट्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, COVID-19 रोगियों हेतु 1,00,000 बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 1,00,000 बिस्तरों की सुविधा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर, इस बात को आपको याद रखना है। और इससे ही लखनऊ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और राज्यपाल यहाँ की आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। आज की जो हमारी क्लास है, हमारी वीडियो है, वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।